बचे अंडे की काप टुकड़ी पढ़िया गुरु ग्रंथ वेच एवी एक विवेक निरंकार भगवान दे हुंदे रूप अनेक हुंदे रूप अनेक। नेक्स्ट लाइन मेरी गल नू पल्ले बन लो आखे पिया सुकरात। सुकरात दुनिया दा दार्शनिक विद्वान होया यूनान दा, ठीक है, दार्शनिक विद्वान सुकरात। मेरी गल नू पल्ले बन लो पल्ले बन लो आखे पिया सुकरात। मेरी गल नू पल्ले बन लो आखे पिया सुकरात। एक दार्शनिक विद्वान उन्हें दुनिया का सब तो सियाना व्यक्ति मनिया सुकरात नू आखे पिया सुकरात। लास्ट लाइन सच दी नगरी सूरज चमके सच दी नगरी। एक एक लाइन च लिख सकते हो सच दी नगरी सूरज चमके। आ एक लाइन है, आ सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन सच दी नगरी सूरज चमके। सच दी नगरी सूरज चमके बाकी हर थां रात। बाकी हर थां रात पैरे नू समझो एदा एक्सप्लेनेशन समझो ओदे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लिखांगी ओदे आंसर देने हैं। पहले पैरे नू समझ लो। मैनू लगदा है कि तुहानू इजीली पैरा समझ आ गया। कहिंदे पढ़िया गुरु ग्रंथ विच कि गुरु ग्रंथ विच आपां की पढ़िया एक बहुत ही वधिया विवेक। विवेक मीन्स विचार पढ़ी है। की पढ़ी विचार की पढ़ी है निरंकार भगवान दे। निरंकार दा अर्थ पुछया जाना। निरंकार कौन हुंदा है दस सकदे हो? निर्जमा आकार। निरंकार कौन है? रब है, भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान दे हुंदे रूप ने उदे दा किन्ने रूप ने किसे किन्ने रूप हन। भगवान क्यों जा है निरंकार। किन्ने क्वेश्चन बनने हैं ना बेटे। नेक्स्ट मेरी गल नू पल्ले बन लो आखे पिया सुकरात। ये सुकरात ने विचार रखे ने। दुनिया दा दार्शनिक विद्वान होया सुकरात। उन्हें केड़ा विचार रखिया कि गुरु ग्रंथ विच पढ़ो कि किन्ना वधिया विचार दिता होया कि एक निरंकार भगवान जो साडा भगवान है जो साडा रब है जो साडा परमात्मा है उसे वख वख अनेका ही रूप ने। लास्ट लाइन की है सच दी नगरी सूरज चमके। सच दी नगरी जिथे सच है उथे सूरज है चमकदा है। बाकी था रात बाकी था हनेरी है अज्ञानता है। जिथे सच नहीं है जिथे झूठ का पसारा है बेईमानी है चोरी है ठगी है उथे की है लोग हनेर ढोंदे हैं हनेर विच ग्रसे हुए हैं। ठीक है हुण क्वेश्चन लिखो। पहले काव टुकड़ी का पैरा कर लो फिर आप वार्तक का पैरा करांगे फिर एक असाइनमेंट ग्रामर की करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुरु ग्रंथ साहिब विच। गुरु ग्रंथ साहिब विच इरेज करा बेटे पैरा। गुरु ग्रंथ साहिब विच फर्स्ट क्वेश्चन केड़ा विचार पढ़न की गल कीती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुरु ग्रंथ साहिब विच केड़ा विचार पढ़न की गल कीती है। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन बहुमूल्य विचार। बहुमूल्य विचार एड़ा ऑप्शन इज
एड़ा ऑप्शन इज मन दे विचार, ईडी ऑप्शन बुद्धिमान लोकां दे, बुद्धिमान लोकां दे, सस्ता ऑप्शन इज आम विचार। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, इन्हां विचों की आंसर होएगा। जे पैरा पढ़िया तुसी पहली लाइन दे विच आंसर है पढ़िया गुरु ग्रंथ विच, किसी लाइन ये भी एक विवेक दसो गुरु ग्रंथ साहिब विच किहो जे विचार हुंदे ने। वेरी गुड, सब नूं पता है किहड़े विचार हुंदे ने, आम विचार हुंदे ने, आम गल्लां बातां हुंदियां नो, बुद्धिमान लोकां दे विचार नो, बहुमुल्य विचार किन्हां दे, महापुरखां दे, गुरु साहिबान दे। की आंसर आएगा? बहुमुल्य विचार। ऑप्शन लिख के आंसर लिखना है, उत्तर पूरा भाग, ऑप्शन नहीं लिखनी तुसी, आंसर फिर लिख लो करेक्ट, ठीक है, तुहानू करेक्ट आंसर। यस, डू लाइक दिस बेटे कि चारे ऑप्शन लिख के उन्हों बॉक्स बना के टिक कर दो। सेकंड क्वेश्चन, सुकरात ने की कहा है, सुकरात ने की कहा है, ये सारा पैरा ही सुकरात दे बारे है। सुकरात ने विचार रखे ने, उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब नूं आधार बना के विचार दिते ने। सुकरात ने, सेकंड क्वेश्चन इज सुकरात ने की कहा है। जिवें जिवें प्रैक्टिस करोगे ना तुहाडे इत्थे फुल मार्क्स आणगे। फिर मेन फोकस करना पोएट्री ते, जिहड़ा वार्तक दा पैरा हुंदा उहनूं तुसीं कर लैंदे हो इजी, पर वह भी बड़ी सोच समझ के करना पैना क्योंकि उहदे च कोई समासी पुछा गया, कोई मुहावरे दा अर्थ पुछा गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की है बेटे, सुकरात ने की कहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज झूठी नगरी विच सूरज चमकदा है, झूठी नगरी विच सूरज चमकदा है। सेकेंड, हाँ जी ब्रजेश बेटे कोई डाउट है? ब्रिजेश मैम, ये एनडीटी का आप टुकड़ी मैम फेयर कॉपी में करनी है। यस बच्चे, नाल नाल करनी है, मेरे नाल नाल ही पैरा लिखो ते ओदे आंसर दियो क्वेश्चन से। ओके मैम। यस बेटे, झूठी नगरी विच सूरज चमकदा है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सच दी नगरी विच हनेरा हुंदा है, सच दी नगरी विच हनेरा हुंदा है। सेकंड ऑप्शन, सच दी नगरी विच हनेरा हुंदा है। थर्ड ऑप्शन इज झूठ दी नगरी च उन्हें सूरज क्या, सच दी नगरी विच हनेरा क्या। थर्ड, सच दी नगरी विच सूरज चमकदा है, सच दी नगरी विच सूरज चमकदा है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, सच दी नगरी विच सूरज दिखाई नहीं देता, सूरज चमकदा। तुहानू क्लीयर अपने आप ही हो जाना बेटे, सच दी नगरी विच सूरज दिखाई नहीं देता। लास्ट ऑप्शन, आंसर केड़ा करेक्ट होएगा बेटे? ईडी ऑप्शन मीन्स आंसर की होगा, सुकरात ने की कहा, सच दी नगरी विच सूरज चमकदा है। नेक्स्ट, सच दी नगरी विच सूरज दिखाई नहीं देता। थर्ड क्वेश्चन, हुण इहदा मीनिंग दसो, बाकी हर थां रात तुक तो की भाव है। आपां अगली पिछली बारी भी कीता सी इक तुक दा भाव, बाकी हर थां। थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट लाइन है, बाकी हर थां रात तुक दा की भाव है। तुक दा भाव ऑप्शन च देखना, पूरा ऑप्शन न्या, बाकी हाथा रात न्या, एड़ा ऑप्शन,
ਐਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨਿਆ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਦ ਤੇ ਐਸ਼ ਸਵਾਦ ਤੇ ਐਸ਼ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਹਾਂਜੀ ਹਨੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਨਿਆਂ ਅਨਿਆਂ ਈਰਖਾ ਨਫਰਤ ਸਵਾਦ ਤੇ ਐਸ਼ ਨਿਆਂ ਮੀਨਸ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਆਂ ਮੀਨਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਯੈਸ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਅਨਿਆਂ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਇਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੋਗੇ ਅਨਿਆਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਨਿਆਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਰਡ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਅਨਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨੋ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਮੀਨਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਕਰਾਤ ਕੌਣ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁਸਾਫਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੇ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਚੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਈੜੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਡ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਚ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ
विवेक शब्द का अर्थ दसो। बुद्धि विवेक शब्द का अर्थ की है या विवेक शब्द किस अर्थ तो लिया गया है? विवेक शब्द किस अर्थ लिए लिया गया है? बुद्धि समझ विचार। लास्ट ऑप्शन मीन्स सुंदरता। जो आप पैरा लिखे सी उदो ही मैं तुम्हें नाल नाल इहदा मीनिंग समझाया सी कि सुंदरता। अगेन ईडी ऑप्शन यस बेटे। बुद्धि नो। पढ़िया गुरु ग्रंथ विच की पढ़िया? गुरु ग्रंथ साहिब विच एक विवेक। ये भी एक विवेक। विवेक मीन्स विचार। विवेक का की अर्थ होया? विचार। क्लियर है बेटे? इस तो इलावा क्वेश्चन बन सकता है, होर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो। वैसे तो फाइव आने ने पर होर जड़े बन सकते हैं। गल पल्ले बन लैने का अर्थ दसो। गल पल्ले बन लैना मुहावरा है, कहावत है, बोलो कही हुई गल है। की है मुहावरा? गल पल्ले बन लैना की है? मुहावरा। ये भी एक क्वेश्चन है। गल पल्ले बन लैना पंजाबी विच की है? कहावत, मुहावरा। हाँ जी, अखान। नोट करो, ये जरूरी थोड़ी यही पांच क्वेश्चन आने हैं। गल पल्ले बन लैना पंजाबी विच की है? मुहावरा, अखान, कहावत। ससा ऑप्शन तुक। उड़ा ऑप्शन इज करेक्ट, मुहावरा। गल पल्ले बन लेना गग्गा भाग मुहावरा है, जो तुसी नेक्स्ट क्लास विच करोगे, टेंथ क्लास विच जाके ससा भाग है तुक, जिवें गुरबाणी दियां तुकां हुंदियां ने। उड़ा ऑप्शन इज मुहावरा। गल पल्ले बन लेना की है? उड़ा ऑप्शन इज मुहावरा। एड़ा ऑप्शन इज अखान। एड़ी ऑप्शन इज कहावत। सस्सा ऑप्शन इज तुक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गल पल्ले बन लेना मुहावरे का अर्थ दसो। हुण अर्थ दसना है, नोट करो। फर्स्ट ऑप्शन इज गल नू ना मनना। गल पल्ले बन लेना दा की मीनिंग है, की अर्थ है मुहावरे का? गल नू ना मनना। एड़ा ऑप्शन गल नू मन लेना। मन लेना, मन विच धार लेना मीन्स गल नू मन विच वस वसा लेना। सेकंड ऑप्शन है गल नू मन विच वसा लेना। इड़ी ऑप्शन गल दी परवाह ना करनी, मन विच वसा लेना जा मन विच धार लेना जा गल नू मन लेना। तिन्ना दा मीनिंग सेम। अगे है थर्ड ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन गल दी परवाह ना करनी। सस्सा ऑप्शन, सस्सा ऑप्शन गल तो पल्ला झाड़ देना। सस्सा ऑप्शन है गल तो मुंह फेर लेना जा पल्ला झाड़ लेना। की होएगी करेक्ट ऑप्शन? सेकंड, गल पल्ले बन लेनी मीन्स गल नू मन विच वसा लेना, किसी की गल नू सिर मथे मन लेना। एदा मीनिंग ये सुद्दा सिर मथे मन लेनी गल। अध्यापक की गल उसने पल्ले बन ली कि मेहनत करके ही फल मिलना। गुरु जी की सिक्ख्या उन्हें पल्ले बन ली कि सच्ची सुची किरत करो। हुण तुहानू एक मुहावरा भी हो गया लर्न। ठीक है, गल पल्ले बन लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गल नू खिड़े मथे स्वीकार कर लेना। यह भी आ सकता है मन लेना, खिड़े मथे स्वीकार कर लेना, मन विच धार लेना, मन विच वसा लेना।
ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਲੀਜ਼ਾ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ? ਨਿਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਨਿਰ ਹੈ, ਨਿਰਹਿ ਹੈ, ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰ ਅਗੇਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਲਈ, ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ 5 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਨਮਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਲਿੰਗ ਬਦਲ। ਜਨਮਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਭਰਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਰਜਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਇਕਨ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਇਕਾ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਇਕਾ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਇਕ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਇਕਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਐੜਾ ਭਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਇਕਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਹੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ, ਸਹੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਯੈਸ,
पूरा ऑप्शन इज, पूरा ऑप्शन थोड़ी पैन चन्न, एड़ा ऑप्शन इज पंजाबी बंगालन संदूक, एड़ी ऑप्शन इज ढोलकी धरती हवा, सस्ता ऑप्शन इज फौजी सेठानी पहाड़। यस, एड़ा ऑप्शन गलत हो गया। एड़ा ऑप्शन च पंजाबी तो पुलिंग है, सिर्फ स्त्री लिंग वाली ऑप्शन चूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन विच घोड़ी है, पैन है, पर चन्न नहीं है, चन्न तो पुलिंग है। हुण तो फिर सारिया तुसी सोचन लग गए ना, पहले ही देख लो कि जिदे च सारे ही स्त्री लिंग होणगे, ये भी देखना है। बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करने हन, ये तुक्के नहीं लगाने। जिथे तीनों ऑप्शन ही स्त्री लिंग है, तीनों ऑप्शन किदे च स्त्री लिंग है, क्योंकि ढोल दा की बंदा, धरती वैसे ही स्त्री लिंग है, हवा वैसे ही स्त्री लिंग है, फिर केड़ा बनिया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन च दसो फौजी तो पुलिंग है, फौजी का फौजन बनता है स्त्री लिंग, सेठानी है ते पहाड़ भी पुलिंग है, पहाड़ का पहाड़ी बनता है, फिर करेक्ट ऑप्शन केड़ी हुई। बहुत सोच समझ के करना, तुसी ये ना सोचो कि लिंग बदलो बहुत ईजी ने। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना पिया ना बेटे आंसर करने लई, ये तो नहीं तुसी इदा ही फटाफट आंसर दे दोगे, क्योंकि देखना पैना है कि सारे स्त्री लिंग कित्थे हैं। हुण अगला देखो, पुलिंग दा सही ऑप्शन चुनो। अगला क्वेश्चन, पुलिंग दा सही ऑप्शन चुनो। पुलिंग, पुलिंग दा सही विकल्प चुनो, सही विकल्प चुनो। पूरा भाग, पूरा भाग, मोर चन्न प्रा, एड़ा ऑप्शन, एड़ा ऑप्शन इज दादी घोड़ा सहेली, इडी ऑप्शन इज ग्रंथ, ग्रंथ गबरू बतोरी, सस्ता ऑप्शन इज मी जमात लड़की। यस, करेक्ट ऑप्शन इज कूड़ा, क्योंकि तीनों ही पुलिंग हन, मोर चन्न ते प्रा। सेकेंड ऑप्शन विच सिर्फ घोड़ा ही पुलिंग है, थर्ड ऑप्शन विच ग्रंथ भी पुलिंग है, गबरू भी पुलिंग है, पर बतौरी किदा बनता है? चलो दस दो बतौरी का पुलिंग की बनेगा, उल्लू, उल्लू का की होंदा? बिल बतौरी भी होंदा, बतौरी भी होंदा, ठीक है। नाल नाल तुहाडे लिंक बदलो रिवाइज भी हो जाने। चलो सस्ता ऑप्शन विच मी दा मी रहना पुलिंग है, नो डाउट पुलिंग है, पर सारे ही पुलिंग है उत्ते। जमात स्त्री लिंग है तो स्त्री लिंग रहना, जमात जा रही है, जमात जा रहा है, नो लड़की स्त्री लिंग है, फिर करेक्ट ऑप्शन की हुई पूरा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासी शब्द दा, मरासी शब्द दा सही विरोधी लिंग चुनो। विरोधी लिंग, हूँ ये नहीं पता है स्त्री लिंग है कि पुलिंग है, हूँ तुम्हें पता होना चाहिए,
कि मरासी पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलो उड़ा ऑप्शन, उड़ा ऑप्शन मरासिया, एड़ा ऑप्शन मरासीन, एड़ी ऑप्शन मरासेन, तस्सा ऑप्शन मरासन, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन मरासन, करेक्ट ऑप्शन इज मरासन, वेरी गुड। इस तरह तुसी आज टेस्ट प्रॉपर वे नाल देना है, सारे बच्चों ने अपीयर होना है टेस्ट विच बेटे, इस तरह तुसी डेली प्रैक्टिस करनी है ग्रामर दी, रीडिंग स्किल दी। थैंक यू सो मच।